गाइस रेलवे ट्रैक पे गाड़ी फंस गई, तो मैं दिखाता हूँ मैंने कौन सा फ़ोन लिया है। सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? आई होप सब ठीक ही होंगे। सो काफ़ी दिन बाद दोबारा से व्लॉग बन रहा है अपना, और अभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, आज भी तबीयत ख़राब है। सो चलना सब कुछ तेरे को भी जानना है। सो गाइस अभी बात हुई है कि मैं दूसरा फ़ोन लेने जा रहा हूँ। अभी करंटली मैं iQOO 7 5G यूज़ कर रहा हूँ। सो इसमें थोड़ा सा कैमरा ठीक है इसका भी, बट एक टेलीफोटो के कैमरे की ज़रूरत है, जिसमें ये हो जिस फ़ोन में टेलीफोटो कैमरा हो उसकी नीड है। सो उस फ़ोन में है वो चीज़, सेकेंड हैंड ले रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा बजट गड़बड़ा हुआ है अपना। सो चल जाएगा, फ़ोन के मामले में चल जाएगा सेकेंड हैंड। उसमें होता है क्या है, रीसेट करो कंप्लीट फ़ोन, बस कोई बैटरी वगैरह को प्रॉब्लम ना हो। सो जाके अपन चेक करेंगे फिर रैन जब भी लेंगे। पहले मैं 13 प्रो ले रहा था और DSLR इन दोनों में से एक, बट मैं सोचा भाई ये दोनों ही थोड़े से आउट ऑफ बजट है, क्यों ना इनका कॉम्बिनेशन लिया जाए शॉर्ट में। सो मैंने ये डिसाइड कर लिया, ये फ़ोन जो मैं लेने जा रहा हूँ। सो फटाफट पहुँचते हैं अपन, ट्रैफिक हो रहा है एज़ यूज़ुअल। ये गाइस ये कार वाला बहुत ही गलत ले रहा है, मतलब कि अंधाधुंध इस तरफ दोबारा भी ना देखे, एटलीस्ट नज़र तो होनी चाहिए ना मिरर में, बट मिरर में नज़र नहीं है बाइक की, जैसे कि मैं सामने देख पा रहा हूँ। कैमरे में पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, बट वैसे ही कर रहे हैं बिना मिरर में देखे लेन चेंज एंड ओवरटेक। गाइस मैंने गाड़ी के आज पूरे ग्राफिक्स निकाल दिए, पूरे मतलब कि जो भी स्टिकर्स लग रहे थे स्टॉक वाले वो पूरे निकाल दिए। सो गाड़ी को कहीं पर रोक के आपको बताता हूँ। सो गाइस ये देख सकते हो मैंने पूरी ग्राफिक्स निकाल दी बाइक की, इधर पूरी ये पूरी निकाल दी। सो अभी थोड़े से ये मार्क्स इसके गम लगे हुए हैं, सो सोच रहा हूँ ये भी निकाल दूँ, और मैंने ये खुद किया था, और इस साइड भी मैंने निकाल दी, तो सेम साइड दोनों तरफ है। और ये थोड़ा सा गम का इधर दिख रहा है, तो इसको फिट एंड फिनिश करेंगे अपन कुछ ही दिनों में। सो अब निकलते फटाफट अपन। गड्डी फंस गई, ओए गाइस रेलवे ट्रैक पे गाड़ी फंस गई, ओ माय गॉड, ओ भाई मरेंगे ये। हेलो, बढ़िया। सो गाइस रात काफ़ी हो गई है,
और फाइनली डील हो गई है, बाकी काफ़ी मुश्किलों के बाद लग रहा है अनीता। हाँ थोड़ा साथ दिया है, हाँ इन्होंने भी साथ दिया है और डील मतलब कि ये क्रैक नहीं हो रही थी तो हो गई हमारी डील, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल भी करवा लिया हमने फाइनल प्राइस से। फोटो के अंदर वीडियो जाएंगी हैं, टेलीफोटो के अंदर वीडियोस, अब टेलीफोटो के अंदर वीडियोस आएंगी। सो मैंने एक्चुअली में फ़ोन लिया है सैमसंग S21 FE, फैन एडिशन है तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है। सो वीडियोस अच्छे, हाँ रीज़न तो एक्चुअली में क्या है कि अभी आपको दिखाया था कि मेरे फ़ोन में लाइन आ गई है, सो इस रीज़न से बताया भी था कि रीज़न ये है आदमी चलते हैं, क्या कुछ नहीं आएगा कॉल मैसेज। सो गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ तो मैं दिखाता हूँ मैंने कौन सा फ़ोन लिया है, S21 FE 5G। सो ओपन करके बताता हूँ कि ये कैसा फ़ोन है। सो गाइस मेरा फ़ोन लेने का मेन पर्पस तो ये था कि इसका कैमरा भी अच्छा है और उसी टाइम मेरे फ़ोन में एक लाइन भी आ गई, मैंने आपको पहले दिखाया था, आपने पीछे वीडियो में देखा होगा इस डिस्प्ले पे लाइन आ गई थी। सो मेरा यही था न्यू फ़ोन लेने का, सेकेंड हैंड मैंने ले लिया क्योंकि अभी बजट कम था, बट सेकेंड हैंड भी ऐसा लो कि भाई वर्थ इट हो। सो ये मैंने सैमसंग S21 FE 5G लिया है। सो ठीक ठाक फ़ोन है, कैमरा भी अच्छा है इसका और काम चल जाएगा मेरा इससे। सो गाइस कभी भी आप सेकेंड हैंड फ़ोन लो तो उसको अच्छे तरीके से चेक करो, मैंने उसको पूरे अच्छे तरीके से चेक किया है एंड तभी मैंने इसको फाइनल किया है। कोई डेंट वगैरह नहीं है या फिर कोई डिस्प्ले रिस्प्लेसमेंट नहीं है, कुछ भी मतलब कि लोकल नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। सो मैंने ब्लूटूथ, वाईफाई, लोकेशन एक्सेट्रा सारी चीज़ें चेक करके लिए, स्पीकर वगैरह मतलब कि ईयरबड लगा के कि भाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कैसी है, ईयर पीस कैसा है, मेन स्पीकर कैसा है, डुअल स्पीकर कैसा है और टच रिस्पॉन्स कैसा है, सो सब कुछ चेक करके लिया मैंने। सो इसकी प्राइस मैं बता देता हूँ, और हमारी OLX पे डील हुई थी कि उन्होंने 25 डाला था तो उन्होंने फाइनल करा था कि भाई 22 फाइनल, तो मैंने कहा भैया अभी मेरा बजट कम है सो मैं इतना नहीं दे पाऊँगा। सो थोड़ी बहस करने के बाद, बहस ही समझो, बहस करने के बाद 21.5 पे हमारी डील डन हो गई। सो काफ़ी अच्छा मेरे को लगा फ़ोन। सो गाइस कैसा लगा आज का आपको वीडियो, आई होप अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। और मैं आपको कवर दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा कवर है, महंगा वाला स्टारबक्स लिखा हुआ है, मैं कभी ज़िंदगी में गया नहीं हूँ लेकिन फिर भी बाय बाय।